एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि हमने घर के मावे से ही बनाया है और ये बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं आप। तो हलवा भी आप बहुत ही तरीके से, बहुत ही नए नए डिफरेंट टाइप के बनते हैं, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिएगा, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए हमने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पर, और जैसे ही पैन गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे घी। घी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जितना पसंद है। तो यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून घी डाला है और घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है तो हम इसमें डाल देते हैं 4 से 5 काजू, और काजू को हम हल्का ब्राउन होने देंगे। काजू हमारे अच्छे से भून गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और अब हम उसी घी में कद्दूकस किया हुआ गाजर को डाल देंगे। गाजर को हमने पहले से ही कद्दूकस कर लिया था धो करके, और सारे गाजर को अब हम अच्छे से भून लेंगे घी में। और जैसे ही गाजर भुनेगा इसका क्वांटिटी जो है वो घटते जाएगा। आप देख सकते हैं कि गाजर भुनते भुनते एकदम सॉफ्टी हो जाएगा। तो इसी तरह से लगातार हम गाजर को चलाते रहेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे भून रहा है गाजर वैसे वैसे इसका क्वांटिटी कम होते जा रहा है। मैंने यहाँ पर 1.5 kg गाजर का यूज किया है, उसी हिसाब से आप चीनी और घी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो गाजर को हमने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं कि गाजर हमारा अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी, आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो 1.5 kg गाजर था तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम चीनी का यूज किया है, और चीनी को हम अच्छे से मिला लेंगे गाजर में, क्योंकि जब हम चीनी डालेंगे तो चीनी पिघलने लगता है और इसमें से पानी छोड़ने लगता है। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम बिना ढके हुए ही कुक करेंगे। तो चीनी अच्छे से हमारे मिल गए हैं, तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो 2 मिनट बाद इसे हम फिर से चेक करते हैं। ये देखिए, हमारे गाजर के हलवे अच्छे से कलर आ गया है और ये कुक भी हो गए हैं। तो इसी तरह से हम थोड़ी देर में चलाते रहेंगे गाजर को। और अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 इलायची, जिसका कि हमने छिलका निकाल लिया है और बीज को हमने निकाल लिया है। अब इलायची को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो गाजर का हलवा अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं मावा, जो कि हमने घर बनाया था। तो सारे मावा को हम इसमें डाल देंगे और मावे को अच्छे से मेल्ट कर देंगे। मावा डालने से गाजर का जो स्वाद है वो बहुत ही दुगना हो जाता है। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पहले से अगर मावा बना के रखेंगे तो काम भी आसान हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए, चम्मच की सहायता से हम सारे मावे को तोड़ लेंगे। जैसे जैसे मावा गर्म होगा वो अपने आप ही मेल्ट होने लगेगा। तो हमें बस स्पैचुला की मदद से थोड़े से मिला देना है इसे गाजर में। तो सारे मावे को हमने गाजर में मिला दिया है। आप देख सकते हैं किसका टेक्सचर, इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमारा परफेक्ट हलवा तैयार है सर्व करने के लिए। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जो कि पहले से हमने भून रखा है। तो उसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और थोड़े से हम साबुत काजू को रख लिए हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो सारे ड्राई फ्रूट को हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिया है और अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये देखिए कितना लाजवाब गाजर का हलवा बना है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल में न्यू विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।